चीटी चढ़ी पहाड़ पे अंग्रेजों का जमाना था, डिलीट की वुडपैकर से निकली गोली टीएसजी के ऊपर निशाना था। तो टोटल गेम एक पानी पार्ट में चलो चाहिए डिलीट काफी शानदार रेड शॉट ब्लाइंड स्पॉट से बबलू को लगा देंगे। देखना होगा रश करना क्या आसान रहेगा या फिर नहीं देने वाले। बट गाइस हमारा अगला लाइक टारगेट 32,000 लाइक्स का, तो फटाफट से एक साथ ताकि लिया। बट डिलीट, ओ माय गॉड, काफी ज्यादा खतरे में, एक और बार एंड एक और नॉक यहां पर निकल जाएंगे। देखते हैं, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता। मोर्टल पॉइंट के साथ अभी भी जिंदा, लेकिन टोटल गेमिंग का मुकाबला और गेमिंग जैसे बड़ी टीम के साथ होने ही वाला। मैं आपको ओवरऑल अगर मैप की दिखाना चाहूंगा इस, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे रहने वाला ओवरऑल मैप के अंदर का नजारा। ये देखिए आईएनडी इलीट टीम नंबर 5 है, टीम नंबर 7 टोटल गेमिंग, टीम नंबर 4 ऑरा गेमिंग। तीनों टीमें तीन आपस में है। यहाँ पे जो भी दो टीम एक साथ लेगी फाइट उसका मजा लेके जाएगी। यहाँ पे थर्ड टीम साथ यहाँ पे पीछे से एक टीम आती हुई दिख रही, इविल आर्मी और बाकी की टीमें उस साइड रहने वाली है। तो मुकाबला होने वाला है बहुत ज्यादा जबरदस्त मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टोटल गेमिंग वर्सेज आईएनडी इलीट हमें देखने को मिलने वाला है। गाइस आपको क्या लगता है, अगर एक बार फिर से टोटल गेमिंग वर्सेज आईएनडी इलीट देखने को मिला तो क्या इस बार टोटल गेमिंग हिला के रख डालेगी सामने आईएनडी इलीट को? व्हाट डू यू गाइस से सामने प्रीडेटर माफिया वालों को बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं। यहाँ पर प्रीडेटर आए सामने, एक बंदे को किया, इस बार यहाँ पे डैमेज किया है, द मैन वाज अबाउट टू गेट नॉक, लेकिन यहाँ पे ग्रेनेड फेंक दिया गया है खिलाड़ियों के ऊपर। डिलीट का यहाँ पे आई थिंक एबीसीडी वेपन के बाद लॉन्चर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे टू शॉट रन के पास प्रीडेटर हो चुके हैं सामने वाले खिलाड़ी से नॉक। यहाँ पे बात करो आईएनडी इलीट की, जान पड़ चुके खतरे में, प्रीडेटर नॉक, थ्री मैन ओनली सर्वाइविंग फ्रॉम द टीम। यहाँ पे ग्रेनेड जाता हुआ माफिया वालों के ऊपर, तनेजा ओपी का ग्रेनेड यहाँ पे एक और गया, दोनों ग्रेनेड बेकार। सामने माफिया वाला काफी ज्यादा सेफ खड़े हैं, अंशुल अंदर साइड यहाँ पे बंदों को स्पॉट करने की कर रहे हैं कुछ, यहाँ पे नॉक कर सकते लेकिन नॉक करने में नाकाम है। यहाँ पे माफिया को लो किया है, माफिया के ऊपर आ गया रस, यहाँ पे तनेजा ओपी हो गया नॉक, यहाँ पे बेबी का क्लोज इन, बेबी भी हो जाएंगे नॉक। नाउ ओनली अंशुल इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग फ्रॉम द टीम, जो की क्लोज इन करने से बिल्कुल भी नहीं डर रहे। यहाँ पे 1v4 क्लच करने के लिए जाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे अंशुल, देखने वाले बता अकेले कितने बंदों को यहाँ पे खत्म करेंगे। यहाँ पे लास्ट मैन डिलीट के ऊपर किया है रस, अंशुल हो जाएंगे पूरी तरीके से, इसी के साथ यहाँ पे खत्म, टाटा गुड बाय गया। गाइस उनके फायर पावर के साथ साथ मैं उनके फॉर्मेशन की जरूर दाद देना चाहूंगा, बिकॉज तीन प्लेयर सामने एक प्लेयर पीछे, जो स्नाइपर था वो यहाँ पे काफी प्यारा कवर दे रहा था इसी फॉर्मेशन के साथ। फोर रन जैसे टीम को बैक टू लॉबी भेजना उनके लिए संभव रहा, बट क्या टोटल गेमिंग यहाँ पे उसी सेम फॉर्मेशन के साथ टाइटेनियम को बैक टू लॉबी भेज पाएगी, बिकॉज टाइटेनियम का भी फायर पावर नेक्स्ट लेवल यहाँ पे होने वाला है। फौजी जो बहुत ज्यादा लोते बट खुद को हिलअप करके रखा, माफिया वाला यहाँ पे बिल्कुल तैयार है, फौज का कमाल का रश, एक नॉक यहाँ पे देखने को मिलेगा। टाइटेनियम यहाँ पे अपने एक प्लेयर को खो देगी शायद यहाँ पे टाइटेनियम के प्लेयर से, या फिर बट टोटल गेमिंग का खाता यहाँ पे जरूर आगे बढ़ रहा है। देखते हैं एक और प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर पाएंगे या फिर बट क्रोश ने यहाँ पे एक्टिवेट करके लिया, पहुंच जाए इसका खामियाजा यहाँ पर जरूर भुगतेगा। इसी के साथ साथ टाइटेनियम को बैक टू लॉबी भेज के टोटल गेम अपने 4 किल्स कंप्लीट करेंगे, पहुंच जाए। अब देखना पड़ेगा कौन जीतेगा, टीजी के 3 किल सिक्योर है बट यहाँ पे नेमेसिस के पास मौका, माफिया का नेट सटीक वहां पे बचना मुश्किल, माफिया डाउन, अंश ने अपना काम कर दिया और यहाँ पे टीजी ने 6 किल सिक्योर।